बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई शेयर विद यू अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम साइकी और लोगस और दोनों को मिलाएं तो स्टडी ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ इसको अप्लाई करेंगे इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पर। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद। फर्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों में जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाता है, स्टूडेंट नया होता है, इंटर में जाएगा बीएस साइकोलॉजी के लिए, एमफिल साइकोलॉजी के लिए, या किसी भी क्लास में जब वो एडमिशन के लिए जाता है, तो उस वक्त उस नए स्टूडेंट के लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है कि वो उसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज न्यू होता है, उसके लिए तमाम टीचर्स न्यू होते हैं, उसके लिए करिकुलम न्यू होता है और उसके लिए वो सारा एनवायरनमेंट जो है वो भी न्यू होता है। हाँ, तो बतौर साइकोलॉजी इसकी ये वाली प्रॉब्लम जिसमें उसको हमने मुताबकती इश्यूज को लेकर कि उसको कैसे एडजस्ट करना है तालीमी इदारों में, इस चीज पर नफसियात ही बहस करती है और नफसियाती जो प्रॉब्लम होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, उनको सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव ग्रोथ। हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की, तमाम इंडिविजुअल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ क्वांटिटी के लिहाज से हो रही होती है, जिसमें बच्चे का कद बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, उसके तमाम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके उसकी जो क्वांटिटी है उसके बढ़ने के साथ साथ उसमें क्वालिटी भी इंक्रीज हो, क्वालिटी। तो इसको हम कहते हैं कि ये बच्चे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन इन द पॉजिटिव वे, कि उसमें वो तमाम पॉजिटिव उसकी जो चीजें हैं, थिंकिंग है, परसेप्शन है उसके, उसमें वो डेवलप हो, ना कि उसकी जो माइनस वे ऑफ टॉकिंग है इसमें वो जाए। तो अगर वो पॉजिटिव लिहाज से वो डेवलप हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं और ये भी साइकोलॉजी हमारी इसमें सपोर्ट करती है। माय डियर वेलविशर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट्स थ्रू टेस्ट्स। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स हैं ये माइंड में रखें कि अचीवमेंट्स सिर्फ स्टूडेंट की नहीं होती, वो टीचर्स भी की होती हैं, वो एक बिजनेसमैन की हो सकती हैं, वो एक शॉपकीपर की हो सकती हैं, वो ऑनर ऑफ द फैक्ट्री की हो सकती हैं, वो एक पॉलिटिशियन की हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, एक जिम्मेदार की हो सकती हैं। तो इन तमाम मैदानों में जब उसकी अचीवमेंट्स होती हैं तो उसकी असेसमेंट जो है, मेजरमेंट जो है, जो उसकी एवेल्यूएशन है, वो हम तो वो टेस्ट इस साइकोलॉजी की बदौलत हम कर सकते हैं। नाउ वी इन फोर्थ पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देखें, जो टीच करना ये एक बड़ा फन होता है और स्पेशली बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसमें मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, साइकोलॉजी है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम पूरा वो ट्रेनिंग एक शेड्यूल ये नफसियात फ्राहम करती है, जिसकी वजह से असातिज़ा की ट्रेनिंग होती है, वो तरबियत होती है, वो मॉडर्न जदीद तकाजों के मुताबिक अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को, अपने वे ऑफ टॉकिंग और लेक्चर सिस्टम को वो अपडेट कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो भी वीकनेसेस होती हैं उसकी पहले वाली, वो इसमें रिमूव हो जाती हैं और उसकी जगह पर क्वालिटीज आ जाती हैं और टीचर्स प्रोफेसर्स अपने लेक्चर में, अपनी बच्चों की काउंसलिंग में, बच्चों को टीचिंग में वो बेहतर अंदाज में अपनी तालीम दे सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स,
इसमें कोशिश की जाती है कि तलबा को वो क्वालिटी फ्राहम की जाए इंस्टीट्यूशंस में जिसमें वो तालीम हासिल करने के साथ साथ वो तरबियत भी हासिल करें, तरबियत भी उनकी हो और वो डेवलप भी हो, वो बेहतर भी हो, और इस तरह से हम उन तलबा को वो क्वालिटी फराहम करते हैं जिसकी बदौलत वो एक माशरे के एक अच्छे शहरी बन जाते हैं, वो बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार करते हैं और इस कम्युनिटी में रहकर वो तमाम लोगों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं और अच्छी सोच की बिना पर वो एक अच्छा माशरा तश्कील देते हैं। ये भी इसी की बदौलत होता है। तो साइकोलॉजी कोशिश ये करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, के बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देखें इश्यूज होते हैं, हर घर में इश्यूज हैं, हर किचन में इश्यूज हैं, हर बजट में इश्यूज हैं, हर तालीमी इदारे में क्लीनलीनेस और उसके दीगर जो मामलात हैं, टीचिंग प्रोसेस है, उस तमाम में प्रॉब्लम होते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बजरिया मोटिवेशन ऑफ साइकोलॉजी वो क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जिसमें फ्रेंडशिप बिहेवियर के साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट होता है ये बहुत पोलाइट होता है, इसका अंदाज़े बयां लोगों की माइंड के मुताबिक होता है, लोगों को ये रिस्पेक्ट देता है, लोगों से अगर इसको कोई काम भी हो, टेस्ट भी लेना हो, देन भी वो रिक्वेस्ट के अंदाज में इनसे काम लेता है, इनसे बातचीत करता है और इस पोलाइट बिहेवियर की वजह से वो उन तमाम लोगों को विन कर लेता है, जीत लेता है। तो इस लिहाज से ये जो साइकोलॉजी है एजुकेशनल, ये अपने अदारों में एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिससे बच्चों और असातिज़ा के दरमियान बाहमी कोऑर्डिनेशन, अफ़हम व तफ़हीम और बेहतर अंदाज में माहौल बनाकर तालीम फराहम की जाती है। करिकुलम डेवलपमेंट, तो इसमें जो साइकोलॉजी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये करिकुलम फराहम करती है और करिकुलम उन बच्चों की माइंड के मुताबिक और मेंटल अप्रोच के मुताबिक और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके एक्टिविटी बेस पर, प्ले बेस पर वो करिकुलम फराहम करती है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बदौलत स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें डिसेबल हो सकते हैं, जो कानों से गूंगे बहरे हो सकते हैं या डिसेबल माजूर हो सकते हैं या उनको कोई भी इशू होता है, ऐसे बच्चों को हम स्पेशल स्टूडेंट्स कहते हैं। इनके हवाले से भी करिकुलम फराहम करती है, इनके हवाले से ट्रेनिंग फराहम करती है, इनके हवाले से ऐसे अदारे कायम करती है जिसकी बदौलत हम अपने स्पेशल स्टूडेंट्स को, डिसेबल स्टूडेंट्स को, जो हमारे माशरे का एक असासा होते हैं, उनको भी हम बेहतर अंदाज में तालीम फराहम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, साइकोलॉजी माय डियर वेलविशर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैथमेटिक्स में काम करते हैं इसका यूज़ है, फिजिक्स में काम करें इसका यूज़ है, आप मैनेजमेंट में हैं इसका यूज़ है, आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी बिजनेस में, आप यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, तो साइकोलॉजी की बदौलत आप अपनी परसेप्शन बेस पे आप उसको इतना डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, कारोबार को, कि इसकी बना पर आप हजार गुना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कोऑर्डिनेशन फ्राहम करती है अपने स्टेक होल्डर्स में, मसलन बतौर टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है अगर वो साइकोलॉजिस्ट है, और वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ, स्कूल काउंसिल के साथ, वो अदारे की जो कम्युनिटी है उनके साथ और अपने अफसराने बल्ला के साथ, तमाम लोगों के साथ ये इस तरह का एक ताल्लुक कायम करता है जिसकी बेस पे वो समाजरे में एक अच्छा काम फराहम कर सकता है। इन द एंड वी डिस्कस सम साइकोलॉजिस्ट जिनका काम जो है वो बहुत ज्यादा है इस साइकोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन डेवी है, जॉन डेवी ने एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स में काम किया, एजुकेशन में काम किया और ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाया। जीन पियाजे, इसकी थीरीज और नजरियात हर आदमी जानता है कि इसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जो काम किया है वो काबिले कदर है,
कार्ल रोबर्स है, विलियम जेम्स है और अल्फर्ड बीने है। ये जो बीने है इसने भी इंटेलिजेंस के हवाले से अपना बहुत ज्यादा, शख्सियत के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से इसने बहुत ज्यादा काम किया है। माय डियर वेलविशर्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली रूटीन लाइफ। डेली रूटीन लाइफ में इसकी बड़ी अहमियत है। अगर आप इस साइकोलॉजी को यूज करते हैं अपनी लाइफ में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने हाउस में, अपने किचन में, तो इसकी बेस पर आप बहुत अच्छे प्लानर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं और आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं अगर आप इसको यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपसे रिक्वेस्ट ये होगी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।